भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने और आतंकी के पिता को घर बुला के खाना खिलाने वाले अखिलेश यूपी की जनता को जवाब दें तथा अखिलेश यादव की सरकार में गोरखपुर और वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों के केस को वापस करने को सामाजिक सद्भाव बताया था। वे बताएं कि ये कैसा सामाजिक सद्भाव है। उन्होंने कहा, हम हाईकोर्ट का धन्यवाद देते हैं जिसने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा आतंकवाद की पोषक है तथा जहां तक सुरक्षा का सवाल है, अखिलेश जी पर गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट में गोलघर गोरखपुर में 22 मई 2007 को सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसके बाद 23 नवंबर 2007 को अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी में कचहरी ब्लास्ट हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन हरकत उल जिहाद और हरकत उल मुजाहिदीन संगठन ने ली थी, जिसमें दो लोग पकड़े गए थे, जिस पर 26 अप्रैल 2012 को इन सारे केस को अखिलेश ने विड्रॉ किया और इसे सामाजिक सद्भाव बताया। उन्होंने कहा कि यह कैसा सामाजिक सद्भाव है, हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया तथा आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बताएं कि वह आखिर आतंकवादियों से इतने प्रेमी क्यों हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की सुबह सीआरपीएफ के कैंप पर अटैक हुआ, जिसमें 7 परिवार की माताएं और बहनें विधवा और परिवार अनाथ हो गया, जिसमें यूपी एसटीएफ ने बिहार के रहने वाले शहाबुद्दीन को पकड़ा। तब अखिलेश ने उनको भी माफी दी और इसे भी हाईकोर्ट ने रोका। इसका भी अखिलेश जवाब दें, क्योंकि अखिलेश को माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर आतंकवादियों की रक्षा की, इसका वे जवाब दें। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में 70 मिनट में 6 ब्लास्ट हुए और यूपी के मोहम्मद सैफ, जिसे फांसी हुई, उसके पिता अखिलेश के साथ क्यों दिखते हैं, आतंकवादी उन्हें इतने प्रिय क्यों हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का विकास मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में 5 साल में खूब हुआ है तथा सरकार, भाजपा की सरकार ने यूपी में जो विकास के कार्य किए हैं, यूपी की जनता ने एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का मन बनाया है, क्योंकि भाजपा की सरकार बनने पर ही धारा 370 को कश्मीर से समाप्त किया और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इसके साथ ही 3 तलाक के दंश और अभिशाप से आजाद कराया गया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था, लेकिन हमारा देश 13वीं शताब्दी से इसको लेकर चल रहा था तथा जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 लाख से ज्यादा मकान बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1,60,00,000 मकान 48,000 करोड़ से बनेंगे तथा 18,000 गाँव को बिजली से जोड़ दिया गया है, जिससे 2.5 करोड़ लोगों को बिजली सौभाग्य योजना के तहत पहुंची है और गरीबों को राशन मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। इसके साथ ही हर गांव में इज्जत घर बने हैं। उन्होंने कहा, लखनऊ में अटल मेडिकल विश्वविद्यालय बन चुका है और गोरखपुर में बने एम्स के लिए जमीन अखिलेश यादव ने विधायकों के दबाव में जमीन नहीं दी और गोरखपुर में खाद कारखाना चालू हो गया है। यह इस बात को बताता है कि डबल इंजन की सरकार का क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा, 2014 में यूपी में 15 मेडिकल कॉलेज थे और अब 59 मेडिकल कॉलेज यूपी में है तथा निःशुल्क वैक्सीनेशन ने देश को बचाया है तथा अखिलेश ने यूपी की जनता के साथ मजाक किया है। यह मानवता के साथ मजाक है। अखिलेश यादव ने मोदी टीका और योगी टीका बताकर यूपी की जनता को गुमराह किया। उनके परिवार में भी सब ने टीका लगवाया है। मैं उन पर चार्ज लगाता हूं। अखिलेश आए तो पूछिए। और अब तक देश में 175 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुका है, जिसमें यूपी नंबर एक पर है। अब जल्द ही 3,80,00,000 लोगों के घर जल पहुंचेगा और 80,00,000 मकान बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मित्रों, आज आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी मोहन अग्रवाल जी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवीन पांडे जी और महाराष्ट्र से आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, धन्यवाद। आज के इस संवाददाता वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, हमारे जुझारू क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे राधामोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक
हमारे पांडे जी मीडिया प्रभारी, हमारे चंद्रशेखर बावनकुले जी जो एमएलसी हैं और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रिय हमारे गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और मैं कल से यहाँ पांचवें और छठे चरण के प्रचार के लिए आया था। कल मेरा देवरिया और बलिया का कार्यक्रम रहा है और आज मैं फिर से इस क्षेत्र में प्रचार करने वाला हूँ। बहुत उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का दिख रहा है और लोगों ने स्पष्ट मन बना लिया है कि विकास और सुरक्षा और समृद्धि, इसको उत्तर प्रदेश की जनता अपना ध्येय मान करके, अपना लक्ष्य मान करके कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। माननीय मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर जो कार्य किया है उसके प्रति मुहर लगाते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जहां वैचारिक पृष्ठभूमि को जो हमने कहा था, जो हमारे साथ जुड़े हुए विषय थे, उनको जहां ताकत देकर के उसको पूरा किया है, वहीं गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति और जो महिला शक्ति, उसका सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण और इसके साथ साथ किसानों को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब मैं वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करता हूँ तो फिर चाहे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हजारों कार्यकर्ताओं ने धारा 370 समाप्त करने के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। आज मुझे खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि धारा 370 को मोदी जी की सरकार ने धाराशाही किया है, इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि पर अखंड भारत की बात को लेकर और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, इसको लेटर और स्पिरिट में पूरा किया है तो हमारी सरकार ने किया है। उसी तरीके से लोगों की राजनीति रही कि राम जन्मभूमि का विषय लटके अटके भटके, ये भी विषय था कि कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, यह भी हम लोगों के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि हर्ष का भी विषय है और संतोष का विषय है। 3 तलाक का दंश, 13वीं शताब्दी का कानून, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह कानून समाप्त होना चाहिए, लेकिन भारत के राजनेताओं में ताकत नहीं थी, तुष्टीकरण की राजनीति से दबे हुए थे, लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरा करते हुए मुस्लिम महिलाओं को 13वीं शताब्दी के इस दंश से, इस अभिशाप से आज़ाद कराया। और मैं आपके साथ यह भी बताना चाहूँगा कि इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था, अफगानिस्तान में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, ईरान में नहीं था, इराक में नहीं था, सीरिया में नहीं था, ये सब मुस्लिम देश हैं, लेकिन हमारा देश इस 13वीं शताब्दी के अभिशाप को लेकर चल रहा था, उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहाँ तक गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित की बात मैंने की, तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, फिर चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से बिना बिचौलिए के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने की बात हो और करोड़ों लोगों को पहुंचाने की बात हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में
सीधे सीधे उनके आवास पर तक आवास बनाने की योजना हो, और उसमें लगभग 1,50,00,000 से ज़्यादा मकान बन चुके हैं, और इस बार लगभग 1,60,00,000 मकान इस साल बनने के लिए, और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मकान भी कैसे, रसोई घर, इज्जत घर, रसोई घर में गैस का कनेक्शन, कमरा रहने के लिए अलग से, टेरेस अलग से, और इसकी मलकियत भी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नाम पर। तो यह एक आवास योजना की दृष्टि से किया है। उसी तरीके से 18,000 गांवों को बिजली से जोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो बिजली से नहीं जुड़ा है। 2.5 करोड़ लोगों को घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है सौभाग्य योजना के तहत। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगर कोरोना में 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में 500 रुपये पहुँचाए 3 महीने के लिए, तो वहीं मार्च महीने 2020 से आज दिन तक लगभग 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, चावल या गेहूं और दाल, ये पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। तो इसी पर योगी जी ने भी अपने तरफ से उन सबको 5-5 किलो पहुंचाने का व्यवस्था की है पर यूनिट, और जिसको कहते हैं डबल इंजन सरकार का विषय हम सबको समझ में आता है, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम हुआ है। उसी तरीके से लगभग 11 करोड़ स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर बने हैं, और उसमें से लगभग कोई 90,00,000 से 1 करोड़ यहाँ इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इज्जत घर बने हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। जहाँ तक विकास का सवाल है, सारे प्रदेश में एक नई बहार के साथ विकास हुआ है, और विकास की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे खुशी है कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में यहाँ बन रही है, गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बन करके तैयार हो गया है और वो शुरू हो गया है, ओपीडी चालू हो गई है। मैं आपके सामने ये डबल इंजन की सरकार का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री मैं ही था, और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहाँ ऑल इंडिया से मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 2014 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी ने जमीन के मामले को लेकर के इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया, और अपने विधायकों के प्रेशर में आकर के इस काम को नहीं किया। मैं उनसे पर्सनली भी मिला था। ये सपना साकार हुआ जब योगी जी आए, जमीन दी गई, और आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज आपके सामने विद्यमान है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाउ डस वोट पैटर्न डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द एरिया, उसका जीता जागता प्रमाण फर्टिलाइजर फैक्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान बार बार आकर के बोलते रहे कि ये जमीन 90 से बंद थी, 90 से, आज वो चालू हो गया है। ये इस बात को बताता है कि गवर्नेंस का क्या फर्क पड़ता है और डबल इंजन की सरकार का क्या असर पड़ता है। क्योंकि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री तो पहले भी देना चाहते थे, लेकिन यहाँ योगी जी की सरकार नहीं थी इसलिए नहीं आ रहा था। 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 2014 में, और आज 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो रहा है। अगर 175 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, ये देश आज आप सब लोग बगैर मास्क के हैं, आप सब लोग घूम रहे हैं, ओमिक्रॉन का प्रकोप भी आया, तीसरी लहर भी हो गई, लेकिन वैक्सीनेशन ने, मोदी जी की वैक्सीनेशन ने इस देश को बचाया है। और यहाँ मैं चार्ज लगाता हूँ अखिलेश जी पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दे आर इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स, मेरा चार्ज फॉर पॉलिटिक्स। ये ह्यूमैनिटी के साथ भी मजाक कर सकते हैं, ये मानवता के साथ भी मजाक कर सकते हैं, इनको गद्दी और कुर्सी के सिवाय किसी चीज से प्रेम नहीं है, ये मानवता के साथ मजाक है। मोदी टीका, बीजेपी टीका, आज खुद लगा के घूम रहे हैं ना मोदी टीका, इनके सारे परिवार खानदान के लोग लगा के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं?
लेकिन उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया। मैं चार्ज लगाता हूं कि इनको उत्तर प्रदेश की जनता से कतई प्रेम नहीं है, इनको गद्दी से प्रेम है और गद्दी के लिए हर कुछ करने को तैयार है। मैं चाहूंगा कि जब अखिलेश जी आए तो इनसे मुद्दा उनके सामने रखिए और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बचाने का काम। आज अमेरिका का हाल देखो आप, आज यूरोप के देशों का हाल देखो, मेरे से हमारे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लड़खड़ा गए, चरमरा गए। दूसरे देशों में ये बहस चलती है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं ना कराऊं, और यहाँ मैं भारत की जनता को नमन करता हूँ जिन्होंने वैक्सीनेशन को एक अपना मिशन लिया। और ये जनसंख्या देखिए आप, 130 करोड़ की जनसंख्या है, 175 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, प्लस वैक्सीनेशन लग चुका है, और उत्तर प्रदेश ने नंबर एक होकर के इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। योगी जी का इसमें योगदान है। ये है डबल इंजन की सरकार, ये है मुद्दे, और इन मुद्दों को मैं रखना चाहता हूँ। उसी तरीके से इस बार का बजट आया है, 60 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत। 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। 3,80,00,000 लोगों के घर में एक साल में जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,56,00,000 लोगों के घरों में घर बनेंगे, 1,50,00,000 सॉरी, इसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। और क्षमा कीजिएगा, 80 लाख घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होगा। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी उत्तर प्रदेश में और बिहार और भारत में रचने की जो बात कही गई है वो आपके सामने मैं रखना चाहता था, और मैंने इन सारे विकास के मुद्दों को आपके सामने रखा है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मैं बहुत ही आपके सामने गंभीर आरोप अखिलेश जी पर लगा रहा हूँ, और आपके सामने मैं तथ्यों के साथ चीज़ों को रखना चाहता हूँ। 22/5/2007 को गोलघर गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट हुआ था, और इस ब्लास्ट में बलदेव प्लाजा, गणेश चौराहा और जलकल बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक साथ। इसकी जिम्मेवारी इसके बाद 23 नवंबर 2007 को कचहरी ब्लास्ट हुआ था, और उसमें लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, इसमें एक साथ सीरियल ब्लास्ट हुआ था, और इस ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल हुए थे। इसकी जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन और उसके साथ साथ हरकत उल इस्लामी और इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेवारी ली थी, और जिम्मेवारी लेकर के कहा था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन दशाश्वमेध घाट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट, नई दिल्ली में सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज के बॉम्ब ब्लास्ट, और इसके साथ साथ संकट मोचन वाराणसी के बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट, इन सब की जिम्मेवारी उन्होंने ली। इसमें दो लोग पकड़े गए, एक का नाम था हाकिम तारिक कासमी और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। ये दोनों इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले लोग थे, और इनके ऊपर ये सारे केस गोलघर गोरखपुर बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर और ये ट्रेन का, श्रमजीवी का, लोकल ट्रेन का, सारे बॉम्ब ब्लास्ट के इनके ऊपर केसेस चले। 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ इन सारे केसेस को विड्रॉ किया, और इन सारे केसेस का विड्रॉ करने में उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव, अब मैं यहां पर
गोरखपुर की जनता से पूछना चाहता हूं, ये आतंकवादियों को बचाने का काम सामाजिक सद्भाव है? ये आपकी राष्ट्रीयता है? ये आपकी सोच है? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जिसने केस विड्रॉ नहीं होने दिया, केस लगा, गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने और वाराणसी के स्पेशल कोर्ट ने चार जिंदगियों की आजीवन कारावास तारिक कासमी को सुनाई। खालिद मुजाहिद की लू के कारण मौत हो गई जेल में ही, लेकिन तारिक कासमी को चार जिंदगियों तक आजीवन कारावास हुआ। इसका केस को विड्रॉ करने का काम 26 अप्रैल 2012 को श्रीमान अखिलेश जी ने किया है। दूसरी घटना बताता हूँ, तारीख नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात और सुबह सीआरपीएफ के कैंप पर रामपुर में AK-56 से अटैक हुआ। इस अटैक में 7 जवान मारे गए, 7 परिवार विधवा हो गए, बहनें विधवा हो गई, माताएं को गोद सूनी हो गई, परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। एसटीएफ यूपी और एनआईए ने नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन लश्कर ए तैयबा का भारत का कमांडर इन चीफ था, बिहार का रहने वाला था। अखिलेश जी ने यही 26/12/2012 को इनको भी माफी दी और ये केस विड्रॉ किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। पूछताछ हुई शहाबुद्दीन से, 7 लोग पकड़े गए, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। मैं आपके सामने अखिलेश जी से पूछता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई, आप गोरखपुर जब आए तो मेरी बातों का आप जवाब दें। मैंने तथ्यों के साथ आपके सामने रखा है और मैंने तारीख बताई है और मैं चाहता हूं और मैं सारे इलाके में इस बात को रख रहा हूं। कल मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, मैंने उस समय कहा था कि ये एक इस अखिलेश जी को माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा दोष है। और मैं जनता से पूछना चाह रहा हूं और आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जिन्होंने संविधान की शपथ ली हो वो आतंकवादियों की रक्षा करें, क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के शासक बन सकते हैं? इसलिए मैं इन मुद्दों को लेकर के, सुरक्षा का मुद्दा, ये छोटा मुद्दा नहीं है। आप बताइए, मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को उन्होंने घर में बुलाकर, अपने प्लेन पर बैठाकर घर बुलाकर के भोजन कराया था कि नहीं कराया था, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरे पास वो नाम अभी नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट में अहमदाबाद में 70 मिनट में 6 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। देश के इतिहास में 3 दिन पहले 38 लोगों को सजाए मौत हुई है, 38। उस 38 में से एक मोहम्मद सैफ है, मैं नाम गलत हो सकता है शायद इस समय, लेकिन कोई जो भी नाम है, उस नाम के सज्जन के पिताजी अखिलेश जी के साथ दिखते हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक्टिविस्ट दिखते हैं। समाजवादी का आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? समाजवादियों के लिए आतंकवादी इतने प्रेमी क्यों हैं? इसलिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के मुद्दे को भी लेकर विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। और मेरा चार्ज है कि अखिलेश जी को सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश विनाश में जाए,
कोई आपत्ति नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास, मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, खुशीनगर का एयरपोर्ट, आप देखिए 5 साल में कितनी तस्वीर बदल गई है। अभी ये गोरखपुर सर्किट बुद्ध सर्किट, ये खुशीनगर का बुद्ध सर्किट बनेगा, उसके बाद गोरखपुर से लेकर के इस जगह की तस्वीर कैसे बदलेगी। और विकास के लिए एक नया आयाम लेकर के चलने की बात है। तो आपके माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप गोरखपुर में तो विजय हासिल कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सारे पूर्वांचल, सारे गोरखपुर क्षेत्र, इस सारे इलाके में सभी विधानसभाओं में हो। और मैं इलेक्टोरेट से कहूँगा कि न जात पर न पात पर भारतीय जनता पार्टी के काम पर वोट देना है। ये जो और उत्तर प्रदेश की जनता सजग हो गई है, उसको मालूम है कि उसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित है, वह मोदी जी और योगी जी के साथ सुरक्षित है। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।